प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन अपनी आधिकारिक 2 दिवसीय यात्रा पर भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को पहुंचे। पीएम मोदी शाम 5 बजे मॉस्को के वनुकोवो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। इसके बाद पीएम मोदी कार्लटन होटल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी होटल के बाहर इकट्ठा हुए। पीएम मोदी ने उनका अभिवादन किया और उनसे बातचीत भी की। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दुनिया ने एक बार फिर भारत और रूस की दोस्ती की गहराई देखी, जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गोल्फ कार्ट में बिठाया और राष्ट्रपति भवन की सैर कराई। इस दौरान पुतिन खुद कार्ट को ड्राइव करते दिखे। वहीं आज अपनी यात्रा के दूसरे दिन भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो यहां अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक साथ लाए हैं। यही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत का भी जिक्र किया। सुनिए पीएम मोदी का ये संबोधन। मैं अकेला नहीं आया, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं, भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है।
और विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के दो पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है, निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी मंगलवार को 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन जंग के बाद ये पीएम मोदी का पहला रूस दौरा है। इससे पहले वो 2019 में रूस गए थे, तब वो 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए व्लादिवोस्तोक गए थे। हालांकि तब वो मॉस्को नहीं गए थे, जिसके बाद अब पीएम मोदी 9 साल बाद मॉस्को पहुंचे। गौरतलब है कि पीएम मोदी की इस यात्रा को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में रूस और चीन के बीच घनिष्ठता बढ़ती देखी गई। बीते कुछ वक्त से चीन ने रूस पर खूब डोरे डाले। ऐसा लगने लगा कि रूस और चीन की यारी काफी बढ़ गई है। ऐसे में पीएम मोदी जब रूस पहुंचे तो सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि रूस में उनका स्वागत किस तरह होता है, मगर जब पीएम मोदी मॉस्को की धरती पर उतरे तो ये सारी बातें महज कल्पना की उपज दिखी। पीएम मोदी का पुतिन ने जिस तरह स्वागत किया उससे साफ हो गया कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।